नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक है और दूसरी तरफ राहुल गांधी जन आक्रोश रैली कर रहे हैं। 2019 का चुनाव अभी दूर है, उतना भी नहीं, लेकिन उसके लिए तैयारियां और तलवारें अभी से खींचने लगी हैं। आज कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में जन आक्रोश रैली की और दावा किया कि न सिर्फ आने वाले विधानसभा चुनावों में बल्कि 2019 में कांग्रेस सत्ता में लौट रही है। राहुल ने यह भी दावा किया कि आज देश की जनता नरेंद्र मोदी से नाखुश है, लेकिन राहुल को खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जवाब दे दिया। अमित शाह ने कहा कि ये और कुछ नहीं, सिर्फ परिवार आक्रोश रैली है। जनाक्रोश तो कांग्रेस के खिलाफ है जो लगातार चुनाव हार रही है। बीजेपी का दावा है कि हार के बाद अपने निराश कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी जीत के सब्ज बाग दिखा रहे हैं, और इसीलिए आज दंगल में हम अपने राजनीतिक मेहमानों से सवाल पूछेंगे। और आज के हमारे सवाल हैं कि मोदी से जनाक्रोश का राहुल का दावा कितना सही है। पहला सवाल यही होगा, राहुल की रैली को परिवार का आक्रोश बताकर बीजेपी क्या अपनी कमियां छिपा रही है, जो कि अमित शाह ने कहा कि ये जनाक्रोश नहीं परिवार आक्रोश है। राहुल की नई आक्रामकता में कितना दम है? राहुल अचानक से आक्रामक नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस उनमें बढ़ गया है। अगला सवाल हमारा, क्या राहुल अपने कार्यकर्ताओं को सब्जबाग दिखा रहे हैं? सिर्फ कहने की बात है, जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं, सच्चाई नहीं है, कांग्रेस उस योग्य नहीं है। और अंतिम सवाल, 2019 में मोदी की लहर क्या चल पाएगी? लगातार अभी तक चल रही है, लेकिन उससे पहले पूरी रिपोर्ट आज की जनाक्रोश रैली पर, राहुल गांधी की 2019 जीतने और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को शेर का बच्चा कहने पर। ये दावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का है। राहुल की दलील है कि जनता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुश नहीं है। राहुल गांधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में जनाक्रोश रैली की, हालांकि इसके बाद बीजेपी राहुल को उनका परफॉर्मेंस बताने के लिए सामने आ गई। बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ही करिश्मा है कि आज 21 राज्यों में NDA की सरकारें हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी ट्वीट किया, एक वंश और उनके दरबारी जिन्हें जन आदेश से हटाया गया, वो अब जन आक्रोश की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की रैली और कुछ नहीं बल्कि परिवार आक्रोश रैली है, जो उनकी बढ़ती अप्रासंगिकता को उजागर करता है। मैं कांग्रेस पार्टी से एक बात कहूंगा बड़ी विनम्रता से, दिन में तारे देखना बंद किया जाए। जिस तरह से राहुल गांधी जी की अगुवाई में बार बार कांग्रेस पार्टी हारती है, तो अब उनके बाकी काडर में राहुल गांधी जी के लीडरशिप की अगुवाई के प्रति असहज भाव आ रहा है कि शायद इनकी अगुवाई में हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए इस तरह का सब्ज बाग दिखाने की कोशिश की जा रही है। राहुल ने अपनी जनाक्रोश रैली में नीरव मोदी, राफेल डील और डोकलाम जैसे मुद्दों के बहाने एक बार फिर PM मोदी पर हमला बोला और कहा कि मोदी के भाषणों में सच्चाई ढूंढनी पड़ती है। लेकिन बीजेपी चेता रही है कि राहुल तथ्यों से परे होकर बेबुनियाद बातें ना करें। कुमार विक्रांत, दिल्ली आज तक। राहुल गांधी ने साफ चुनौती दी है कि 2019 हम जीत रहे हैं, लेकिन इसमें कितना दम है? हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेता डॉक्टर संबित पात्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं। संबित जी, अखिलेश जी, आलोक जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी, हम आपसे शुरू करना चाहते हैं, ऐसा क्यों होता है जब राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाता है तो जबरदस्त कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ती है? राहुल गांधी में आत्मविश्वास बढ़ा है, आक्रामक वो हुए हैं, लगता है कि बस वाकई जन आक्रोश है, लेकिन जब जमीन पर आप जाते हैं, चुनाव में आप जाते हैं, तो हार जाते हैं एक के बाद एक राज्य। आपके पास 30 सेकंड है संबित जी, प्लीज बोलने दीजिएगा, क्योंकि आप भी बोलेंगे तो अखिलेश जी भी नहीं रोकेंगे, उसके बाद फिर चर्चा में आप दोनों एक दूसरे को रोक टोक सकते हैं। अखिलेश जी, आप अतीत की बात कर रहे हैं कि हम हार जाते थे, समय बदल गया है, 4 साल पूरे हो रहे हैं माननीय मोदी जी के। जनता ने बड़ी अपेक्षाओं और उम्मीदों से इतना बड़ा जनादेश दिया था, लेकिन माननीय मोदी जी ने अपने सिर्फ 4-6 मित्रों, यार दोस्तों और साथियों बरातियों के अलावा पूरे देश के हर वर्ग के लोगों को सिर्फ तकलीफें दी हैं, परेशानियाँ दी हैं, निराशाएँ दी हैं और उपहास और अपमानित किया जाता है बीजेपी के द्वारा। नौजवान यदि रोजगार मांग रहा है तो कहा जाता है चाय बेच लो, पकौड़े तल लो,
पान की दुकान लगा लो, कोई इतनी महंगी पढ़ाई करके इतने संघर्षों से अच्छे अच्छे क्लासेज पास करके डिग्रियां लेता है, उसके परिजन ये अपेक्षा रखते हैं कि वो किसी जगह अच्छे जगह पहुंचेगा। माननीय मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों देने का वादा किया था और उधर से जवाब क्या आता है कि पकौड़े तलो पान बेचो। ये कैसा दम्भ और अहंकार है उन लोगों का जो लोग सत्ता में बैठे हैं। इसी दम्भ अहंकार सत्ता के मद के खिलाफ जनता में आक्रोश है। जनता को बस ये जनता को उम्मीद है कि कांग्रेस ही एक सहारा है और 4 साल जिस सरकार ने जिस नेतृत्व ने कुछ नहीं किया उसे अब विश्वास है कि 1 साल में वो कुछ नहीं कर पाएगी। एक गाड़ी ऐसी जो अनरिपेरेबल हो चुकी है उसे अब बदलना ही है और वो बस मौका लगते ही बदली जाएगी। समीर जी बहुत अच्छी तरह से मुस्कुराते हुए आपने अखिलेश जी की बात सुनी है, 30 सेकंड आपके पास भी, अपनी बात आप भी कह दीजिए। जब राहुल गांधी ऐसा कहते हैं कि ये जन आक्रोश है तो क्या बीजेपी ये सोचती है कि लोग हमसे नाराज क्यों हैं? जब राहुल गांधी आक्रामकता के साथ ये कहते हैं कि 2019 भी हम जीत रहे हैं तो क्या बीजेपी को कहीं ये लगता है कि कहीं वाकई ऐसा हो ना जाए और वो सोचती है? सबित सही जी, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था और अच्छा सोच रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि अखिलेश जी के बाद मैं आप सबको बधाई दूं और आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान को बधाई दूं। आखिर ऐसा हुआ एक दिन कि 70 साल के इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद, आज हिंदुस्तान का कोई भी कोना, हिंदुस्तान का कोई भी गाँव अंधेरा नहीं है क्योंकि हर जगह बिजली पहुँच चुकी है। देखिए ये सवाल उठता है और आक्रोश का कारण बनता है कि आखिर क्या कारण थे कि 70 साल के बाद भी 18,000 गांव जब हम सरकार में आए थे तो अंधेरे में डूबे हुए थे। मैं आज से 4 दिन पहले श्वेता जी, जो आपकी ही को पार्टनर है, एंकर हैं आपके चैनल में, उन्होंने एक कार्यक्रम किया था बंगाल में, उन्होंने दिखा सुंदरबन के ऊपर कार्यक्रम किया था तो सुंदरबन में दिखाया था कि सुंदरबन अभी तक 70 सालों तक इंडिपेंडेंस तक अंधेरे में डूबी हुई थी। फिर उन्होंने दिखाया कि बाघ जो अटैक करते थे और लोगों को मार देते थे अब वो संख्या में कमी आई है क्योंकि 4 महीने पहले वहां बिजली पहुंची है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि हम आक्रोश क्यों नहीं दिखाए कि बिजली आखिर हर घर तक पहुंच नहीं रही थी। दूसरी बात, जनधन योजना के माध्यम से 31 करोड़ से अधिक अकाउंट खुले। मुझे आक्रोश है इस बात का शहीद भाई कि हिंदुस्तान के 70 वर्ष स्वतंत्रता के पश्चात भी 50% जनता तक बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंचा और ये कांग्रेस के लोग आक्रोशित नहीं थे। मुझे आक्रोश है इस बात का कि आखिरकार ऐसा एक जमाना क्यों था कांग्रेस के समय कि प्रतिदिन केवल 12 किलोमीटर सड़क बनती थी और आज लगभग 40 किलोमीटर सड़क बनती है। क्या इसमें जनता का भला नहीं हो रहा है? मुझे आक्रोश इस बात का है कि विगत 10 वर्षों में जब कांग्रेस का शासन था उस समय जो एलपीजी सिलेंडर टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 10 वर्षों में वो 3 करोड़ का था और आज हम 8 करोड़ के टारगेट के साथ लगभग 5 करोड़ टारगेट उज्ज्वला के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। जब से भारत आजाद हुआ है तब से आज तक 6.5 करोड़ टॉयलेट्स बने थे, आज केवल और केवल 4.5 वर्षों में 7 करोड़ टॉयलेट बन गए हैं। मुझे आक्रोश इस बात का है कि कांग्रेस ने ये सब काम पहले क्यों नहीं किया था। समीर जी समय हो गया है, आपको रोकना नहीं चाहते थे, आगे और मौका मिलेगा आपको, लेकिन आपने पलट दिया, आपने आक्रोश दूसरी तरफ कर दिया। आलोक सर, सब झूठ बोले। नहीं 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 सर सर, अभी आलोक सर बाकी 30 सेकंड। नहीं आप जवाब दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा, लेकिन बोले आलोक सर, जब राहुल गांधी आकर इस तरह की बातें करते हैं और वो ये कहते हैं जन आक्रोश रैली है तो क्या वहां जनता कम, पीछे की कुर्सियां खाली होती हैं, कार्यकर्ता ज्यादा होते हैं? लेकिन आज कार्यकर्ताओं को शेर का बच्चा भी कहा है तो क्या ये जोश हमें दिखाई क्यों नहीं देता जब कांग्रेस चुनाव में उतरती है और जैसे जैसे 2019 नजदीक आ रहा है, आपको लगता है कि कुछ जन आक्रोश वाकई है या ये सिर्फ जो मोदी पर आरोप लगते रहते हैं कि आप सिर्फ बातें करते हैं, अब लग रहा है कि सिर्फ राहुल गांधी बातें कर रहे हैं? देखिए सईद भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस सेशन के बाद अपने पार्टी वर्कर को उन मुद्दों को लेकर के एक इकट्ठा करके एक सभा की जाए और उस दृष्टि से रैली आप कहें और जन आक्रोश, इस पर भी कोई शक नहीं। समित जी ने जो गिनाया वो भी बहुत हद तक सही है कि कई चीज़ों में, क्षेत्रों में नई उपलब्धियाँ भी आई हैं, लेकिन जो जन आक्रोश की बात है हमारे, हम लोग तटस्थ रूप में आप देखें तो रोजगार एक मुद्दा है जिसको शायद टच इसलिए नहीं किया जा रहा कि अभी संकट आया, नोटबंदी हुई, GST हुआ, उससे जो छोटे उद्योग बंद हुए हैं उससे एक जनरल इम्प्रेशन हुआ है, इसीलिए बीजेपी को उसको सुधारने के लिए शायद लोकतंत्र में यही एक ताकत है विपक्ष होने से। समित जी को तो स्वागत करना चाहिए कि एक, चलिए लोकतंत्र में एक पार्टी ऐसी बड़ी पार्टी हो, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो जो केवल छोटे छोटे सौदे नहीं करके बड़े मुद्दों को लेकर बात करे या उसमें सहयोग की बात भी जब करते, मैं उस पर नहीं जाता,
जन आक्रोश के लिए, लेकिन आज अब चुनाव की बेला, कर्नाटक है, फिर राज्यों में चुनाव है, फिर उन्होंने बोला भी है लोकसभा चुनाव। मेरा मानना है कि ऐसे कई मुद्दे लगातार बेरोजगारी के साथ में जब हो रहे थे, जो समस्याएं आ रही थी, उनमें अपने अपने प्रादेशिक क्षत्रपों को उस समय ही, कमलनाथ जी यदि लोकसभा में यदि उपनेता होते, 1980 से थे, आज चेहरे पे देखें। दूसरा, आज की रैली में यदि आप पुरानी पीढ़ी, यहाँ पर अखिलेश जी बैठे हैं, कहीं नेहरू इंदिरा गांधी का चित्र भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक नया अमेरिकन स्टाइल की आप रैली यदि करेंगे, आपको तीन पीढ़ी को साथ लेना होगा। अखिलेश जी, हो सकता है इनके भी पिता माता जी यदि यहाँ पर हैं, हमारे यदि कोई बुजुर्ग यहाँ पर हैं, वो और एक नई पीढ़ी जो 18 साल के बाद की आ रही है, यदि उसको जोड़ना है तो याद दिलाना होगा कि जन आक्रोश तब भी था समस्या। इंदिरा गांधी के समय बेरोजगारी नहीं थी, ऐसा नहीं था। अटल जी के समय नहीं थी, ऐसा नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि हम उन मुद्दों को लेकर के रेखांकित करें, और यह रास्ता आज मुझे नहीं दिखाई दिया कि जन आक्रोश का केवल विजय मिलेगी और हम जीतेंगे इसलिए आप इकट्ठे हो जाएं। ये नहीं दिखाई दिया कि हम रोजगार देने के लिए, हम राजीव गांधी के समय की शिक्षा की योजना या स्वास्थ्य की योजना जो दूसरी की है, उसको कैसे बढ़ाएंगे। अखिलेश जी, आप भले ही मोदी सरकार को फेल बताएं, नाकाम बताएं और जन आक्रोश रैली करें, लेकिन जब आपको मौका मिलता है, एक लंबी एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में होती है, आपको मौका मिलता है, कोई तीसरा दल नहीं होता, आमने सामने की सीधी लड़ाई होती है, आप संबित जी की बात का जरूर जवाब दीजिएगा। संबित जी, आप भी स्वतंत्र हैं अखिलेश जी को रोकने के लिए, लेकिन लड़िएगा नहीं, तब भी आप वहां पर कामयाब नहीं हो पाते। आप ये प्लीज मत कहिएगा कि देखिए मार्जिन क्या हो गया। देखिए, मैं वो समझ गया, मैंने कहा ना, वो अतीत की बातें हो गई, बहुत उम्मीद के ऊपर देश की जनता जीती और बहुत उम्मीद दिखाया मोदी जी ने, इसीलिए जन आक्रोश है कि उम्मीदों को एक रत्ती भी पाए उन्होंने क्या, और उम्मीद जिन्होंने की उसको अपमानित कर रहे हैं। तीन बातें समित ने तीनों झूठ बोला, मैं झूठ शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। 18,000 गाँव, माननीय मोदी जी पहले लाल किले के संबोधन में उन्होंने कहा था कि अभी भी 18,000 गाँव बचे हैं, 4 दिसंबर तक का समय दे दिया। हाँ, सुन तो लिए, 4 सालों में 18,000 गांव अगर इन्हीं की मान लें तो पूरे हुए 4 साल में 18,000, 10 साल में हमने 3.5 लाख गांव, 5,70,000 3.5 लाख गांव 10 साल में हमने इलेक्ट्रिफाई किया था। और ये 18,000 गांव जो अभी बता रहे हैं मोदी जी, इसी विधानसभा के अंतिम सत्र में, अंतिम दिनों में सदन के पटल पे एक जवाब में लोकसभा में बताया गया है कि अभी 18,000 गांव पूरे नहीं हुए, कुछ बाकी हैं, हो सकता है इधर 10-20 दिन में वो हो गए तो मैं नहीं करता, लेकिन लोकसभा का जवाब यही था, वो पेपर मेरे पास है, इस टाइम यहाँ नहीं है। दूसरी बात, जनधन, जनधन का पैसा मोदी जी झूठ बोलते हैं, ये आप लोग भी दिखा चुके हैं। लाल किले से बोला था फला फला गाँव में मैंने बिजली पहुँचवा दी, आप लोगों ने सर्च किया तो उस गाँव में बिजली गई नहीं थी, ऐसा संभवतः पहले से जा चुकी थी कई साल। जनधन, जनधन के पैसे, स्टेट बैंक का कितना इनकम है, ठीक है 27, नहीं रुक जाइए, झूठ को पर्दाफाश होने दीजिए, 2700 करोड़ रुपया स्टेट बैंक का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट क्या है कि जनधन योजनाओं का मेंटेनेंस काट के है, सुनिए सुनिए, और जनधन का पैसा नीरव मोदी ले गए, छोटा मोदी ले गए, तीन पॉइंट था, तीनों लिखा हो, एलपीजी हम देख रहे, एलपीजी पांच, आपने जब बोलने दिए, झूठ को सत्य में आने दीजिए, झूठ में भागने मत दीजिए लोगों को। एलपीजी ये अभी पिछले 2-3 महीनों पहले इनकी सरकार ने एजेंसियों के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला, अब उसका प्रोसेस है, जितनी भी एलपीजी बटी है या सिलेंडर बन रहे हैं वो सब कांग्रेस के समय की एजेंसियां और फैक्ट्रियां लगा रही हैं। हमारी थोड़ी सी मजबूरी है अखिलेश जी, आप जी। क्योंकि संबित जी भी जवाब देना चाह रहे हैं, हम रुक रहे हैं यहाँ पर, बहुत अथेंटिक बात कर रहा हूँ, मैंने तो गिनाया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम 2019 जीतेंगे, जन आक्रोश रैली दिल्ली में करते हैं, मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं, लेकिन अमित शाह कहते हैं बीजेपी के अध्यक्ष की ये जन आक्रोश नहीं, ये तो परिवार आक्रोश रैली है, इसलिए ये हो रहा है। डॉक्टर संबित पात्रा, अखिलेश प्रताप सिंह दोनों यहाँ पर हमारे साथ हैं, और बहुत सारे सवाल अखिलेश जी ने डॉक्टर संबित पात्रा के लिए उठा दिए हैं, जिसमें हम राय, स्वागत है एक बार फिर से आपका दंगल में। आज हम बहस कर रहे हैं कि क्या 2019 में मोदी का मैजिक खत्म होगा, क्या मोदी के खिलाफ ये जन आक्रोश है। वैसे आज राहुल गांधी की जन आक्रोश रैली में कुर्सियां खाली भी दिखी हैं, हम इस बहस पर आगे बढ़ेंगे। अखिलेश जी अभी से इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन हमारे संवाददाता अखिलेश जी मणिदीप शर्मा वहां पर मौजूद थे, तो मणिदीप की रिपोर्ट देख लेते हैं पहले।
दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी की जन आक्रोश रैली हो रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मंच पर राहुल गांधी इस समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रामलीला मैदान में संबोधित कर रहे हैं। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था कि रामलीला मैदान में तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग राहुल गांधी को बतौर अध्यक्ष सुनने के लिए आएंगे, ऐसे में आप देख सकते हैं कैमरे की स्क्रीन पर ये जो पीछे की ये जो कुर्सियाँ हैं, पीछे का ये जो इलाका है, ये लगभग पूरा का पूरा यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। उतनी भीड़, यानी कि पार्टी के द्वारा जितनी भीड़ का दावा किया गया था, उतनी भीड़ यहाँ पर रामलीला मैदान की इस रैली में आकर के इकट्ठी नहीं हुई है। और लोग आप यहाँ पर देख सकते हैं कुर्सियाँ चूंकि पीछे के इलाके के खाली हैं, ऐसे में जो 2 से 3 लाख लोग आने का जो दावा था, जो पार्टी के द्वारा किया गया था और कहा गया था कि हर 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 प्रदेश को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि लोग यहाँ पर रैली में आएंगे ताकि राहुल गांधी की बतौर अध्यक्ष जन आक्रोश रैली सफल हो सके। जाहिर सी बात है पार्टी का वो दावा कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है और पीछे की जो कुर्सियाँ हैं वो खाली ही दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन नरेश के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक। अखिलेश जी हंस रहे हैं आप, देखिए यार, देखिए कई किलोमीटर पहले भीड़ रोक दिया था और भीड़ अभी आ भी रही है और बसों को रोक, हम खुद 2-2.5 किलोमीटर पहले चल के गए थे। लेकिन यदि आप में साहस है पत्रकारिता की, जरा मोदी जी और शाह जी की किसी दिन जो रोज कुर्सियां खाली रहती हैं दिखा दें, फिर आपको तो खुश होना चाहिए। मैं खुशी रहता हूं हमेशा, मैंने बताया ना हजारों लाखों आदमी अंदर जाने नहीं पाए बार बार के बाद भी, और उसमें भी पब्लिक अभी आ रही है और कितनी भीड़ थी सबको पता है, वहां दिखता है। बताने के देखिए आप लोगों को ये इंटरेस्ट होगा, हमारा इंटरेस्ट है इस देश में जो इस टाइम आततायी शासन है जिससे जनता ऊब चुकी है, दुखी हो चुकी है, उसे बदलना है, उसे रिप्लेस करना है और जनता को एक ऐसी सरकार देनी है कि जो हर कोई समझे कि मेरी सरकार है, वो सरकार नहीं जो बलात्कारियों के साथ खड़ी हो, दुराचारियों के साथ खड़ी हो। ये पहले दुनिया की पहली सरकार है कि जो बलात्कारियों के साथ जम्मू कश्मीर से लेकर आसाम तक यूपी से होते हो, हर प्रदेश में बलात्कार के साथ खड़ी है, कोई सरकार ऐसा करता है? ये वो सरकार है जो जांच की भी मांग स्वीकारती नहीं, जांच से कांपती है और अगर कोई फैसला आता है तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे करते हैं और खुश होते हैं, खुद अपने आप ये परिलक्षित कर देते हैं कि हम दोषी थे, दोष मुक्त हुए, उस तरह के खुशी का इजहार करते हैं। भाई लोया केस में आप बीजेपी विद इन मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और खुश हो रही है, क्यों? जैसे वो हो रही है कि हम बरी हो गए। अरे भाई आप तो उसमें मुजरिम थे नहीं, लेकिन प्रसन्नता आभास इस तरह का दे रहे हैं कि बड़ा अच्छा जजमेंट आ गया। बड़ी अगले सही में कहना चाह रहा था, देखिए जनता जो उमड़ती खुद जन आक्रोश नाम है, सही माने में जिन मुद्दों को लेकर लोगों में नाराजगी है, आप और हम भी ये बात जानते हैं, उसके लिए जनता को एक लगे कि हमें एक ऐसा लीडरशिप। दूसरा आप देखिए अजय माकन जी, विद क्षमा चाहूंगा, दिल्ली में या हुड्डा, जो वहां पर हुड्डा की लोकप्रियता थी उनको काट दिया गया, यहाँ पर काट दिया, यूपी में आपके पास अखिलेश जी जैसे नेता जो आज तक इतने स्थापित हो जाते पूरे प्रदेश के लिए, तो आज ये संकट लोगों के लाने में नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि लोगों को मोबिलाइज करने में, आपके मुंह पर नहीं कह रहा हूँ, यूपी में ऐसे बड़े नेता कहाँ आपके पास बचे? ट्रेन तो मुंबई की एक ट्रेन को तो आने नहीं दिया गया, नहीं किस तरह से। अच्छा इसी पे आ जाते हैं संबित जी, क्या हो गया, सफर कर रहे हैं? ठीक है सर, सर देखिए एक आरोप आप पे और लगा दिया, मैं बीच में चिल्लाना नहीं चाहता हूं, सही जी आप बोले तो फिर मैं बीच में बोलना शुरू करूं। नहीं नहीं अरे आप स्वतंत्र, कार्यक्रम खत्म हो रहा है सर, अपनी बात करिए। लेकिन उससे पहले हम अखिलेश जी आपकी बात का जवाब देते हैं। हमारे संवाददाता मणिदीप जब ये रिपोर्ट कर रहे थे, राहुल गांधी का भाषण चल रहा था, मैंने देखा भाषण चल रहा था, तो ऐसा नहीं और जी आईटीओ पे बसें रोकी गई, ट्रेनें नहीं आ रही है और उस समय भी संवाददाता आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पब्लिक आ रही है, देखिए संबित जी उस समय भी आ रही है, संबित जी आपके कैमरे पर दिख रहा है। ठीक है संबित जी, कई सारे आरोप अखिलेश जी यहाँ आप पर लगा रहे हैं, राहुल गांधी ने वहां लगा दिया कि नरेंद्र मोदी के भाषणों में सच हमें तलाशना पड़ता है, डोकलाम में चीन घुस आया है और आप चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, लाल लाल आंखें दिखी ने झुकी हुई गर्दन दिखी। मैं जवाब देता हूं, पहली बात तो है मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, देखिए अगर कुर्सियां खाली रहती है तो बस को भारतीय जनता पार्टी ने रोक लिया, अगर लोग आके राहुल गांधी को सुनना नहीं चाहते हैं तो ट्रेन को भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर दिया मुंबई में, और अगर एयर टर्बुलेंस हो जाता है तो एयर टर्बुलेंस भी भारतीय जनता पार्टी ले आती है। भैया अखिलेश जी भी सत्य जानते हैं, प्रणाम करता हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, इसी को बोलते हैं दिखाइए सईद भाई, मैं बोल सकता हूँ एकदम बोलिए सकता हूँ सईद भाई बोलिए
बोलेंगे, देखिए 100 टन का पत्थर रख के ये जो राहुल गांधी की बड़ाई करते हैं ना, देखिए मैं बिल्कुल सहमत हूं जो अभी आलोक जी ने कहा कि विपक्ष का नेता बिल्कुल सशक्त होना चाहिए, मगर राहुल गांधी सशक्त होना चाहिए इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं ली है। ये बार बार कह रहे हैं वो अतीत को भूल जाओ, हम अब सब जीत जाएंगे। ये त्रिपुरा का चुनाव अतीत था, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव अतीत था, ये गुजरात में 8% वोट शेयर में डिफरेंस था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, वो अतीत था। ये हिमाचल प्रदेश का चुनाव 70 वर्षों बाद एक बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 30 चुनाव हार के राहुल गांधी साल बाद ये सर नंबर आएगा। चिल्ला नहीं रहा था, घमंडी कौन है आप, देखिए बीच में कौन चिल्ला रहा था, काट की हाड़ी बार बार नहीं करती है, बहुत जनता को झांसा दिया। धीरे धीरे से अपना काट के हाड़ी को जलाते रहिए, मुझे बोलने दीजिए, आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। आपने झूठे सवाल किया, क्या हुआ 15 लाख का गंगा मैया साफ हो गई, 81 क्योटो बन गया, किसानों को चिल्लाने लगा, अनपढ़ों के तरह बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता। अगर अखिलेश प्रताप सिंह जी पढ़े लिखे होते तो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते, अनपढ़ों को नेता बनाया जाएगा तो ऐसे ही होगा। ये आपके वादे हैं, लोकपाल बन गया अखिलेश प्रताप जी, आप जैसे पढ़े लिखे लोग तो आते नहीं है कांग्रेस पार्टी में, अब क्या करेंगे जब पढ़े लिखे लोग बोलते हैं तो आप बीच में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्या कृषि उपज का दो गुना मिलने लगा, क्या बोल रहे हैं अखिलेश जी, शांति से बोलने कितना इसका जवाब यही आक्रोश है। बताइए मैं क्या करूं, अगर राहुल गांधी पास नहीं हो पा रहे हैं, राहुल गांधी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं, तो मेरे ऊपर गुस्सा दिखाकर क्या होगा भैया अखिलेश जी, आप उत्तर प्रदेश में चुनाव हार जाते हैं ये मेरी गलती है क्या अखिलेश जी, आप परफॉर्म नहीं कर पाए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, राहुल गांधी के कारण आप जैसा नेता भी चुनाव हार गया, ये मेरी गलती है क्या अखिलेश जी। रायबरेली और अमेठी का कुछ आंकड़ा देना चाहता हूँ भाई, मैं रायबरेली और अमेठी का कुछ आंकड़ा, मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोलता हूँ सहित भाई, इस प्रकार व्यवहार क्यों करते हैं। बोली 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 जल्दी से, सभी ने तो कहा था कि बीच में बोलने को ठीक है, आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, मैं याद दिला रहा हूँ आप स्वतंत्र क्यों आक्रोशित जनता, मैं भाई इस प्रकार मत भड़काइए कि बीच में बोलिए भैया, आपने 20 वादे याद दिला दिए तो एक भी पूरा ये नहीं के वादे मैं याद दिला रहा हूँ, जवाब हो गए, जवाब ले लीजिए ना अखिलेश जी, आप लोग डिबेट कर लीजिए, मैं बिल्कुल बीच में क्या करेंगे, अब जवाब अभी नहीं बदलना है, जवाब नहीं लेना है अभी, इन्हें हटाना है, इतना गलत बात है, 4 साल में जो नहीं कर पाए वो 1 साल में कहां से हमसे आशा रखे, अच्छा ठीक है, अभी नहीं बदलना है, इन्हें घर भेजना है 70 सालों के लिए। संबित जी, शहीद भाई पहले तो पढ़े लिखे प्रवक्ताओं को बुलाया करिए, इस प्रकार के लोग संबित जी नहीं, संबित जी बस नहीं होते, बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं, आंकड़ों को पढ़ लिख के आना चाहिए, बिना आंकड़ों के डिबेट नहीं करना चाहिए, सारे पढ़े लिखे आंकड़ों के आधार पर बोलना चाहता हूं, विद्वान तो सिर्फ बीजेपी में, रायबरेली बीजेपी में और सर्टिफिकेट पढ़ाई के लिए छुपाते हैं, और अमेठी पर सारे पढ़े लिखे इनके हैं, देखिए रायबरेली में और पढ़ा है उसका सर्टिफिकेट ये छुपाते हैं, ये बताते नहीं है कि प्रधानमंत्री जी का सरकार से जो लोग व्यवहार कर रहे हैं उसके मैं क्या बोलूंगा, कि जिनके लिए आदेश है कि उनकी शिक्षा की जानकारी नहीं सार्वजनिक की जाएगी, ठीक है, शिक्षा मंत्री की शिक्षा की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है, पढ़े लिखे की जानकारी, ये पढ़े लिखे वालों की पार्टी आपको बता रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा, आप बताइए प्रधानमंत्री जी कितना पढ़े आप बता दो, आप बता दो, चलो नहीं सार्वजनिक आप ही सार्वजनिक कर दो, आप की तरह मत बिहेव करिए, बैठिए बैठिए, डिग्रियां सार्वजनिक क्यों नहीं कर पढ़े लिखो की तरह दूसरों के ऊपर से यहां पर हट गए हैं, अपने प्रधानमंत्री जी की बात यहां पर कर रहे थे कि क्या मोदी का मैच खत्म होगा, क्या 2019 राहुल गांधी, अखिलेश जी, अखिलेश सर प्लीज प्लीज अब आप बोल ही रहे, हमें रुकना होगा यहां पर। कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली की और कई सारे उसमें सवाल उठाए, ये कहा कि हम 2019 भी जीतेंगे राहुल गांधी, अमित शाह ने साफ तौर पर जवाब दिया कि जन आक्रोश नहीं परिवार आक्रोश रैली है, अखिलेश जी संबित जी को आपने सुना, दोनों के अपने अपने तर्क थे, लेकिन आलोक सर नहीं नहीं मैंने अपनी बात को पूरी तरह से रख नहीं पाया था, हाँ संबित जी नहीं नहीं हो पाया, वो पर्सनल आपस में बातचीत में उलझ गए, क्योंकि कार्यक्रम हमें खत्म करना है, आलोक सर जी बोला नहीं मगर इन्होंने मेरे बीच में बोला, इसलिए मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं 10 सेकंड में अपनी बात ठीक है ठीक है प्लीज आपकी अनुमति, ओके देखिए मैं सिर्फ देखिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बात तो बाद में करूंगा, मगर सिर्फ रायबरेली अमेठी को ही देख लीजिए, रायबरेली में अगर एलपीजी सिलेंडर की सरसर सर अपने सारे लड़ चुके हैं,
वहाँ बहुत लोग आजमा चुके हैं। सैयद भाई अखिलेश जी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। अखिलेश जी आपने बहुत बोल लिया, अखिलेश जी आपने अपनी सारी बातें रख दी, सारे आपने सारे बातें आगे ला दी। अच्छा 10 सेकंड बोलिए डॉक्टर साहब, चिंता करो, गोरखपुर आ रहे हो बुरी तरह। अखिलेश सर प्लीज, आपके सारे लोग, अखिलेश जी बोल लेने दीजिए ना प्लीज, कमाल कर रहे हैं। क्यों बुलाते हैं सैयद भाई? अच्छा आप दोनों शब्द एक एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर क्या देखते हैं आप? मैच खत्म हो रहा है, लोगों में नाराजगी, उसके बाद उसको वोट पे कन्वर्ट करना जो उनका टारगेट 2000। बिल्कुल अच्छी बात नहीं, लेकिन यह बात हो नहीं पाई। जब भी मैं बोलूंगा गवार बीच में बोलेगा तो कैसे होगा? बिल्कुल मानते नहीं हो पा रही है, क्षमा। पढ़े लिखे वाले बैठे डिग्री नहीं बताते, पढ़े लिखे वाले बैठे डिग्री बताते नहीं है, दूसरों को गवार बताते हैं। लेकिन अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं दूसरों को गवार बताते हैं। आप सभी का अनूप जी, अखिलेश जी, संबित जी, हमें रुकना होगा यहाँ पर, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।